नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फूड मिनिस्टर के पहले एपिसोड में। हमारे सामने हैं किचन क्वीन सुरेखा ठक्कर जी, जो आज ये हमें हमारे पहले एपिसोड में एक स्पेशल कुजीन या आप कह सकते हो एक स्पेशल रेसिपी बनाना हमें सिखाएंगी और हमें बताएंगी कि ये कैसे बनाया जाता है। तो मैम, आज हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या बनाने वाले हैं? तो दोस्तों नमस्कार, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि चिकन चिली डिश बनाना है वो किस तरह से बनाना है और कितने आसान तरीके से ये डिश बन जाती है। किफ़ायती भी है, टेस्टी भी है और ये डिश बहुत ही अच्छी है चिकन चिली, जो कि हम पूरे फैमिली में इस डिश को बना के इसका स्वाद भी अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब चिकन चिली बनाना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस चिकन चिल्ली को मैरिनेट करने का तरीका क्या है। जी हाँ, अभी आपको मैं बताऊंगी। 3 एग, स्वाद अनुसार नमक है, 3 चम्मच चिकन चिल्ली मसाला है, 2 चम्मच सोया सॉस है, ब्लैक सोया सॉस, 1 किलो चिकन है वॉश करके रखा हुआ है कटा हुआ में, और कॉर्नफ्लोर है 4 चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 है कटी हुई, 3 से 4 लहसुन की कली कटी हुई और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, ओनियन है और शिमला मिर्च है कटी हुई, टमाटो प्यूरी है 3 से 4 टमाटर को मैंने प्यूरी बना के रखी हुई, 1 चम्मच चिकन ये चिली सॉस है। ओके, तो जानते हैं अभी तरीका इसे मैरिनेट करने का, मिक्सअप करने का। 4 चम्मच जो मैंने कॉर्नफ्लोर ली हूँ उसमें मैं अभी ये 2 चम्मच सोया सॉस मिक्स कर दूंगी। ओके, और मैं इसमें 3 एग भी मिक्स करूंगी। ओके, और स्वाद अनुसार नमक लूंगी। ये 3 एग मैंने मिक्स की हूँ जी, इसमें जी सोया सॉस है, कॉर्नफ्लोर है 4 चम्मच जी, और स्वाद अनुसार नमक पूरा मिक्सअप करेंगे अभी। और ये मैंने 3 चम्मच चिकन चिली मसाला ली हूँ होममेड। ओके, हाँ, ये नमक मैं स्वाद अनुसार मिक्स कर रही हूँ इसमें जी। अभी इसे पूरा मिक्सअप करेंगे जी। हाँ, अब मैं इसमें चिकन पूरा जो वॉश किया हुआ रखी हूँ वो इसमें डाल के पूरा मिक्स कर दूंगी। अच्छा अच्छा, और इसे मिक्स करके पूरी तरह, जब मसाला पूरी तरह से चिकन को लग जाता है तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट, 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना जी, 10 से 15 मिनट के लिए इसे, हाँ, इसे मिक्स करके पूरी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अच्छा, हाँ, ये पूरी तरह 10 से 15 मिनट में मैरिनेट हो जाता है, तो उसके बाद जब इसका कलर अलग ही हो जाता है इस तरह से। ओके, ये मैरिनेट के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में ऐसे पूरा, ये मैंने 10 से 15 मिनट रख दी थी। अब एक फ्राई पैन में, कढ़ाई में गरम तेल करना है और ये इस तरह से डीप फ्राई करना है। ओके, ऐसे छोटे छोटे पीसेस है, जो कि इसको डीप फ्राई करने के बाद में जी बहुत अच्छी तरह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और ये अब हमने रख दिया है पूरा सब चिकन डीप फ्राई करने के लिए जी। हाँ, जो कि थोड़ी देर में इसे आसपास से फिराते रहना है, उसके बाद इसका ताकि क्रिस्पी उसका फ्लेवर आ जाए, क्रिस्पी फ्लेवर आ जाता है जी। और डीप फ्राई करने के बाद इसे पूरी तरह से एक डिश में निकाल देना है जी। ओके, तो ये जो आपने ये ऑयल यूज किया है, ये अपना पीनट, अपना ग्राउंडनट ऑयल है, राइट मैम? जी जी। ओके, तो इसे कितनी धीमी आंच पे करना है या फिर मध्यम आंच पे भी कर सकते हैं। एकदम फास्ट रखोगे तो गैस की जो आंच होती है तो उससे ये पूरी तरह से फिर जल भी सकता है अंदर। अच्छा, से उसका कलर भी अच्छा नहीं होगा। मध्यम आंच पे रखने से इसके कलर का भी अच्छे से रंग आ जाता है और कलर ब्राउनिश हो गया है, ये बहुत ही अच्छा लाइक हो गया है, क्रिस्पी टाइप का हो गया है ये। अब हम इसे निकाल के इस तरह से ऐसे प्लेट में रख देंगे। ओके, तो ये पूरा फ्राई होने के बाद में, डीप फ्राई होने के बाद में इस तरह दिखेगा। हाँ, हाँ, अब मैंने ये कढ़ाई में तेल ली हूँ, जो कि मैंने वही तेल ली हूँ जो डीप फ्राई की थी। आप अलग से दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तेल में अब अदरक डाल दी हूँ कटा हुआ, और कटी हुई लहसुन डाली हूँ 4 से 5 कली, और ये 4 से 5 हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो उसमें मैंने डाल दी। ये थोड़ा 1-2 से 3 मिनट तक हमें थोड़ा फ्राई करना है। अच्छा अच्छा,
आई थिंक मैम आपने ये ऑयल, आपने जो चिकन का लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि आपने फ्राई जो किया था चिकन का, हो जो उसमें जो फ्लेवर्ड रह गया था फ्लेवर, चिकन का, वो हाँ, इसमें और आपको आएगा और फ्लेवर। अच्छा आएगा और ओके अच्छा ओके बन सकता है और ओके। अच्छा तो इसका स्वाद आ जाता है। अगर अब किसी को अगर चाहिए तो वो अपना वो ऑयल चेंज भी कर सकता चेंज कर है। सकते हैं। ओके अब ये फ्राई हो गया। अब मैंने इसमें 3 टमाटर की प्यूरी बना दी थी, जी जो कि ये प्यूरी इसमें मिक्स करके अभी इसका थोड़ा सा तेल साइड में छुटने तक का इसे फ्राई करना है। ओके, आप इसे मिक्स टमाटर है। प्यूरी की जगह पे टमाटर सॉस भी ले सकते हैं, 3 से 4 चम्मच। अच्छा ये तो मैंने टमाटर होममेड बना दी थी प्यूरी की टाइप। जी तो ये अब ये इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, जी और फ्राई करके इसके बाद मैं इसमें और भी कंटेंट्स डालूंगी जी, जो कि मैं बता तो देती इसे हूँ पूरा क्या इसमें मिक्सअप करना। करना है। जैसे कि आपने जी इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची डाला है और टमाटो हाँ प्यूरी डाला है, तो इसे जी पूरा मिक्सअप करना है ताकि इसका स्वाद पूरी तरह से फैल जाए पूरे फैल ग्रेवी जाए, में। हाँ ग्रेवी में आ जाए स्वाद। ओके ये आहिस्ता बहुत आहिस्ता बढ़िया। अब चलाते हुए मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर रही तो हूँ। ये भी धीमी आंच पे ही करना हाँ है या फिर थोड़ा मध्यम आंच पे। मध्यम आंच पे ताकि बॉइल्स आ हाँ जाए इसमें, हाँ तो उस हिसाब अब से ये फिर इसे देखो आंच रखना है। अब वो बॉईल होने लगी है जी और टमाटर की साइड में थोड़ा सा तेल भी छूट रहा है और टमाटर का जो पानी होता है जो ग्रेवी टाइप होता है वो थोड़ा सा सोख गया है, अच्छा तो यानी कि ये इसमें पूरा पकना चाहिए। जी हाँ टमाटर प्यूरी है ना जी तो उसके लिए वो पूरा उसका जो जैसे है कि अभी हम देख रहे हैं इसमें बॉइल्स भी आना शुरू हो गए, हाँ ये उबल रहा है अभी। उबल रहा है। हाँ अब मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस मिक्स कर दी हूँ जी ग्रेवी के लिए और इसके स्वाद के लिए भी, इसका अच्छा कलर भी अच्छा हो जाता है। मतलब थोड़ा ब्राउनिश टाइप हो जी जाएगा। हाँ अब ये मैंने 1 चम्मच चिली सॉस ली हूँ, ये ग्रीन चिली सॉस हाँ है राइट। ग्रीन चिली सॉस है, अच्छा अच्छा वो भी इससे इसका स्वाद भी अच्छा आ जाता है। वो ग्रीन चिली कटी हुई थी और ये ग्रीन चिली सॉस है सॉस है। तो इसका स्वाद अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। ओके जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि पूरा ये ब्राउनिश कलर हो चुका है, ग्रेवी तैयार हो रही है अभी चिकन चिल्ली की। देखकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसका स्वाद कितना बेहतरीन होगा। अब मैं ये चिकन चिली मसाला 3 चम्मच ली हूँ होममेड, जी वो भी इसमें मिक्स करना है। अच्छा वो इसमें भी मिक्स हाँ करना है और वो फ्राई हाँ करने के वो टाइम पे भी मेरीनेट मिक्स के करना लिए भी है। था और ये इसमें ग्रेवी में भी 3 चम्मच चिकन चिली होममेड मसाला यूज करना है, अच्छा जो मिक्स करके इसको पूरी तरह से साथ में उसका कलर अलग ही हो जाता है और स्वाद भी अलग तो आता ये है। अभी एकदम गाढ़ा टाइप बन रहा है ग्रेवी हाँ राइट। ओके तो क्या इसमें आप पानी भी मिक्स करेंगी नहीं मैम? नहीं पानी अभी नहीं डालना है, पानी मैं आपको बताऊंगी कब डालना है इसके अच्छा अंदर। अच्छा अभी तो ये पूरा मसाला पूरी तरह से फ्राई हो रहा है जिससे इसकी जो हल्की सी कच्चे मसाले की खुशबू होती है वो निकल जाती है और मसाला हम जिस तरह जितना फ्राई पक कर जाता लेते है। हैं तो उसका स्वाद अच्छा आ जाता है। ये अभी मैंने 1 से 1.5 चम्मच टेबल नमक स्पून नमक सॉल्ट यूज की हूँ, जी जो आप आपके स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। जी जी इसे नमक डालने के बाद वापस से फिर मिक्सअप करते रहना हाँ है। तो मिक्स करना दोस्तों है। हाँ जैसे कि आप देख रहे हो कि हर एक मसाला इसमें डालने के बाद में आपको स्पून से चम्मच से इसे मिलाते रहना है, मिक्सअप करते रहना है ताकि इसका जो मसाला है जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से फैल जाए घुल जाए और उसका स्वाद बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, सारे इसलिए मसाले इसे एक मिक्स किया होके जाता है। इसमें ना मिक्स होने चाहिए, जो सारे मसालों की खुशबू एक होके और अलग ही आती है, स्वाद अलग आता है। जी जी अब मैंने इसमें जो चिकन हमने फ्राई किए थे डीप फ्राई जी रख दिए थे साइड में प्लेट में निकाल के, अच्छा वो फ्राई किया हुआ चिकन इसमें मिक्स कर दिया है। अच्छा उसको पूरा चिकन को ये मसाले पूरा सब लग जाने चाहिए, जी मैरिनेट किए हुए चिकन को भी जो हमने फ्राई कर दिया था। ताकि ये जो ये हाँ मसाला जो हमने अभी ये ग्रेवी का बनाया है हाँ इसे चिकन में मिक्स करके पूरी तरह से इसका मसाला चिकन चिकन में को पूरा लग जाए, ओवरलैपिंग हो जाना चाहिए चिकन को लग जाना जिससे पूरा चाहिए। चिकन में वो टेस्ट वो फील आपको आना चाहिए। जी। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे मेश पूरा मिक्स करेंगे, हिलाते रहे चलाते रहेंगे। अब मैंने ये मैम ये मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ में गरम पानी का जो मिक्स की थी कॉर्नफ्लोर को 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने रखी थी और जी गरम पानी जी मैंने कर दी थी जी और उसे पूरा कॉर्नफ्लोर में मिक्स कर दी थी गरम पानी को, अच्छा ताकि अच्छा इसमें जब कॉर्नफ्लोर ये ना हो ऐसे गट्ठे ना आ गठे ना जाए, आ जाए। तो इसके लिए मैं कॉर्नफ्लोर
गर्म पानी में मिक्स कर रही हूँ, और पहले जो मैंने डाली हूँ एक ग्लास ऐसे सादा वाटर डाल दी हूँ चिकन में। अच्छा अच्छा अच्छा, मिक्स कर ये हमने अभी गर्म पानी कॉर्नफ्लोर में मिक्स किए ताकि ये गट्ठे ना हो जाए, ये एकदम पतला हो जाए। वो मैंने वाटर डाल के चिकन को पकने रख दी हूँ मसाले के साथ में, और अब ये मैं कॉर्नफ्लोर को गर्म पानी में मिक्स कर दी हूँ। अब ये जो कॉर्नफ्लोर है 4 चम्मच है, ये पूरी तरह से एकदम पतला हो जाता है, इसमें के जो गट्ठे रहते हैं वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, और इसी को हम फिर अभी चिकन में डालेंगे जिससे कि चिकन का स्वाद अलग हो जाएगा और ग्रेवी भी। जैसे ये मैं देख रहा हूँ मैम कि ये पकना शुरू हो चुका है, इसमें उबाल आ रहे हैं अभी। अब ये मैं कॉर्नफ्लोर का पूरा मिक्स किया हुआ पानी डाल रही हूँ, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके बॉइल वाटर डाली थी। तो कॉर्नफ्लोर आपने गट्ठा उससे इसलिए नहीं रखा ताकि, क्योंकि आप वो इसमें अगर डालते तो इसमें वो गट्ठे के पीसेस आ जाते थे, इसलिए पतला रखना है हमें। तो ये हमने अभी पूरी तरह से चिकन को कॉर्नफ्लोर का पानी और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके भी इसमें डाल दिया है जी। तो अभी इसे वापस से पकने के लिए रखना है ये हमें? अब हमें मध्यम आंच पे रख देना है, मध्यम आंच पे ये अब पकना चालू हो जाएगा। ओके, कितने से कितने मिनट के लिए हमें रखना है? सिर्फ हमें एक 5 से 10 मिनट खाली मध्यम आंच पे ओके इसको ऊपर कवर करके ढक्कन डाल के पकने के लिए रख देना। देखिए अब मैं आपको बता रही इसकी ग्रेवी कितनी एकदम पूरी तरह से ऐसे गाढ़ी होती जा रही है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद। जी जी जी, पहले मैंने एक ग्लास खाली सादा पानी डाल दी थी, अब ये कॉर्नफ्लोर का पानी डाली हूँ कॉर्नफ्लोर के साथ, तो इसके ये ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब हम एक तरफ कैप्सिकॉन को तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा 2 से 4 मिनट डीप फ्राई करेंगे। ये मैंने तेल गरम कर दी हूँ, अब मैं कैप्सिकॉन थोड़ा सा एक से दो मिनट ही सिर्फ डीप फ्राई करना है, जिससे उसका हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा, तो डीप फ्राई करके वो मुझे मैं साइड में निकाल के रख दूंगी टेप जी। तो दोस्तों जैसे कि मैम ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वो होटल वाला फ्लेवर होटल वाला टेस्ट आपको घर पे मिलेगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ होटल में भी हमें इसी तरह की गाढ़ी ग्रेवी मिलती है। जब हम चिकन चिल्ली ऑर्डर करते हैं टेबल पे बैठ के तब हमें इसी तरह की गाढ़ी ग्रेवी मिलती है, और वही फील आ रहा है आई थिंक सो। अभी तो मैम मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है इसे देख करके जी। ये अब मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ कैप्सिकॉन जी, तो इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट चलाते रहना है। देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है जी। और जब एक याद रखिए कि जब भी आप कैप्सिकॉन डीप फ्राई करना चाहे तब तेल अच्छी तरह से पूरा गर्म होना चाहिए। ओके, ठंडे तेल में इसको फिर वो कलर नहीं आएगा, क्रिस्पी और वो फील वो नहीं आएगा। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो आप एक कैप्सिकॉन को थोड़ा सा डीप फ्राई कर दीजिए जी 1 से 2 मिनट। अब इसको प्लेट में निकाल देना है, और इसी तरह हमें ऑनियन भी डीप फ्राई करना है जो कि मैंने काट के रखी हूँ क्यूब्स के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे कि मैम ने हमें बताया था कि इस डिश को बनाने के लिए सिर्फ 20 से 25 मिनट लगते हैं, हालांकि ये सही निकला है। जब हमने देखा है कि 5 से 10 मिनट आप सिर्फ चिकन को वो ग्रेवी में ऐड करके आप सिर्फ पकने के लिए रखे हैं। ये मैं अब ऑनियन भी फ्राई कर रही हूँ, कैप्सिकम निकाल दी हूँ मैंने एक तरफ, तो उसी तरह से सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं चिकन को ग्रेवी में ऐड होकर के, यानी कि आपके 10 मिनट वहां पे गए और बाकी बचे जो 15 मिनट है उसमें आप बाकी के सब मैरिनेशन मिक्स कर रहे हैं और फ्राई कर रहे हैं, इसी में आपके 20 से 25 मिनट जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन डिश है जो कम समय में इजीली बनाई जा सकती है अपने घर पे। यह ऑनियन भी कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगा है, तो ऑनियन को भी मैंने निकाल दी हूँ। ओके, ये फ्राई होने के बाद में इस तरह से दिखेगा। ये अब कैप्सिकम एंड ऑनियन। अब हम फिर से देखते हैं जहाँ पे हमने चिकन को ग्रेवी के साथ में गाढ़ी होने के लिए गैस पे मध्यम आंच पे रखा हुआ है। अब ये हमारी चिकन की कड़ी है जो चिकन पक चुका है पूरी तरह से, चिकन चिली पक चुका है, चिकन चिली पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब उसके ऊपर हम ये कैप्सिकम और फ्राई की हुई ऑनियंस भी साथ में डाल रहे हैं। ओके, गार्निशिंग का ये तरीका है। गार्निशिंग नहीं बाद में करेंगे, इसे हम अभी मिक्स पूरी तरह मिक्स कर देंगे। ओके ओके, जिससे इसका स्वाद भी चिकन चिली के अंदर मिश्र हो जाएगा। जी जी, जो नाम है वो खुद एक्सप्रेस करता है चिकन चिली, यानी कि चिली उसमें आनी चाहिए, चिली का स्वाद भी आना ही चाहिए। अब देखिए ये इसे मिक्स करने के बाद में इसका कलर भी और भी बेहतर हो गया और स्वाद भी और भी बेहतर एकदम होगा जी। अभी पूरा मिक्स करना है हमें,
इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है, जी इतना अच्छा होता है कि आप ऐसा सोच लगेगा नहीं आपको ये पूरी फैमिली के साथ खाने के बाद कि आप होटल से मंगाई हुई चिकन चिली खा रहे हैं या घर पर बनाई हुई, पूरा अच्छा, बिल्कुल जैसे होटल का स्वाद हमें घर पे पूरा मिलता है। पूरा। अब देखिए इसको हमने पूरी तरह से मिक्स कर मिक्स कर दिया है, लिए। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे गार्निश करने के लिए। इस पे कोरिएंडर आप लीव्स में डाल से, रहे हैं, यानी हाँ कि कोतमीर जिसे हम कहते हैं। हाँ ये देखिए इस तरह से बाउल ओके में निकाल के वाओ, ये आपकी रेडी बहुत है ही चिकन बढ़िया दिख चिली। रहा है। ये मुझे लगता है शायद 20 से 25, 25 मिनट से भी थोड़े कम समय में ये तैयार हो गई है, ये आप पूरी फैमिली के साथ अच्छे से खा सकते सो हैं। थैंक यू सो मच मैम, जो इतनी बढ़िया डिश आपने बनाई है। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, मच हमारे व्यूअर्स के लिए, आपने इतनी अच्छी डिश थैंक बनाई। यू, थैंक यू।